हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील प्रसाद के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चा का जो कंडीशन है कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है। वाइफ और सुशांत दादा पहले चले गए हैं, हॉस्पिटल चले गए हैं, अभी मैं किशोरनगर लोकल पकड़ा हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ। हालेश्वर स्टेशन आ चुके हैं, कल्याणी। आज कसाबड़ा गेट पर नहीं रुकी है ट्रेन, कल्याणी स्टेशन उतर चुके हैं, जाएंगे अब टोटो पकड़ेंगे। हॉस्पिटल आ चुके हैं, क्या खबर सुनने को मिलेगा, ये खराब लग रहा है, बच्चा स्वस्थ हो जाए। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, थोड़ा घूम के देख रहे थे, तकरीबन 5-10 मिनट से मैं घूम रहा हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट रास्ता भी है। हम जो बाइक लेके जाते थे बच्चा का वार्ड में, तो बहुत सारा शॉर्टकट रास्ता है, देख रहे सब घूम के। बाहर हम लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर से बात हो चुका है, बच्चा का कंडीशन वैसे ही है, डॉक्टर जो बोले वैसे ही है। वाइफ भैया सब वहीं बैठे हुए हैं और पपोरितोष काका भी आए हुए हैं। बैर का पेड़ है, यहाँ से वाइफ थोड़ा सा बैर तोड़ी है खाने के लिए, मानी को देख के चला आए हैं, और वाइफ गई है और भैया भी गए हैं। ये वेटिंग लॉज है, यहाँ पे एक पास दिया जाता है, पास लेके उसके बाद अंदर जाने का अनुमति देता है, हम जाके देख के आए हैं। सब वेट कर रहे हैं पेशेंट को देखने के लिए, 4 बजे से 5 बजे तक, आप देख सकते हैं 1 घंटे का टाइम है। सामने यहाँ ब्लड बैंक है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, पूरा आज घूम के देखे हैं। ये तो यहाँ का सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन हम आज जो घूम के देखे हैं बहुत बड़ा है। यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से जाने का रास्ता है, अब उधर सीधा जाइएगा वहाँ से भी एक रास्ता है। अभी जस्ट विजिटिंग आवर ख़त्म होने ही वाला है, वाइफ आएगी उसके बाद हम लोग थोड़ा देर हम लोग को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे जाएँगे। ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुकी है, ट्रेन पकड़ेंगे। हॉस्पिटल से आ चुके हैं, मयंक यहाँ पर सोया हुआ है, मयंक का थोड़ा तबीयत ख़राब है, उसको दवा दे दिए हैं, आज रेस्ट कर रहा था। और यहाँ मम्मी बैठी हुई है, देख रही है टीवी। हाँ क्या बोला मयंक? कुछ नहीं। हॉस्पिटल में हम लोग थे और यहाँ मम्मी
और जो दीदा है यहाँ पे टेंशन कर रही थी, और हम लोग को देखने नहीं दिया गया है बच्चा को। हम लोग को मन में बहुत ही ख़राब लग रहा था, बच्चा को थोड़ा सा देखने दे सकता था, या तो कुछ इस तरह से कोई सिस्टम करता, कुछ बड़ा सा एक विंडो बनाता, वहाँ पे एक पर्दा डाल देता। जब वो भी कोई विजिटिंग आवर होता तो हम लोग जाते, थोड़ा दूर से ही देखते, देख के चलाते। आर्मी में तो सही एरकम ही में सिस्टम छिलो, एक, आपने कोरोनार जन्य एरकम कर लिए। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कभी, पहले से ही इस तरह से कोई ओरा सिस्टम नहीं बोलछिलो है तो, ओरा बोलछिलो ना। वैसे तो विंडो अगर अगर रहता बाहरे तब दिए तो, काचे बाहरे दिए ना देखते दी तो सबाई देखते पाते একবার একবার করে, এখন একজনের বেশি দেখতে থাকে না। हम लोग देख नहीं पाए। सारा दिन वहाँ पे बैठे बैठे, सारा दिन बैठे 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 चले गए हम लोग। और खाली वन टाइम वो डॉक्टर से जो बात करना होता है वो 12 बजे, बस उसके बाद से बच्चा का कोई खबर ही नहीं देता है। हम लोग परेशान हो गए कि कम से कम कुछ बोलिए, बच्चा कैसा है, कैसे कैसा नहीं, कुछ नहीं बोले। तो फिर हम लोग को बोला गया कि टुमारो फिर बच्चा के बारे में जो भी डिटेल्स लेना है 12 बजे के बाद हम लोग को मिलेगा। तो चलिए, आज का मेरा जो ब्लॉग है फिलहाल मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। थोड़ा थका हुआ हूँ, दोपहर का खाना नहीं खाया है, और सुशांत दादा बार बार बोलते रहे कि आप खा लीजिए खा लीजिए, लेकिन उस तरह उस एक ऐसा माहौल बना हुआ है तो हम लोग खा नहीं पाए। मुझे सुबह में थोड़ा सा परोठा खाए थे, अभी तक भूखा है, तो थोड़ा जाएंगे नाश्ता करेंगे। तो उससे पहले मेरा जो ब्लॉग है फिलहाल आज आज का, तो यहीं समाप्त करते हैं। मको कुछ बोलेगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर देना और कमेंट भी कर देना। बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, আর বাচ্চার জন্য সবাই আপনারা প্রার্থনা করুন ঠাকুরের কাছে যাতে বাচ্চাটা ভালো হয়ে আছে। আমাদের মন টন একদম ভালো না, একদম ভালো না, চিন্তা মত কিজিয়ে, ভগবান হ্যাঁ উপর ভগবান হ্যাঁ, বাচ্চা জরুর মন সুস্থ, একদম ভালো না, আমাদের বাচ্চা কিছু জরুর ভালো সুস্থ কে লাগছে আ না। যায়গা। চলিয়ে কল মিলতে হ্যায় ফির এক নয় ব্লগ কে সাথ। টিল দেন বাই, গুড নাইট, টেক কেয়ার।